हमको क्वेश्चन दिया है सो दैट द सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैविंग देयर एलिमेंट्स एज रैशनल रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज एन इनफाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो अब तक हमने क्या देखा है कि कोई भी सेट दे रखा है और कोई भी अगर एक ऑपरेशन दे रखा है तो उसको हम ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं, उसको अबेलियन ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं, अब तक हमने ये दे रखा है। लेकिन इस बार उसने हमको ये बोला है कि आप प्रूव करके बताओ कि ये आपका जो भी ऑपरेशन दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू दिस सेट एक नॉन एबेलियन ग्रुप है। ठीक है, उसने इनफाइनाइट वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि आपको भी मालूम है अगर हम बोल दें कि एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाओ तो एन की जगह कुछ भी हो सकता है, वन क्रॉस वन भी हो सकता है, टू क्रॉस टू भी हो सकता है, थ्री क्रॉस थ्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो यार अगर हमारे पास n का वैल्यू भी फिक्स नहीं है तो हम कई बड़े बड़े क्या बड़े बड़े बोल सकते हो या कई ढेर सारे मैट्रिसेस बना सकते हैं, इसलिए उसने क्या इनफाइनाइट वर्ड यूज किया है। ठीक है, कि जो बड़ा सा सेट बन रहा है वो क्या इनफाइनाइट बढ़ता ही जाएगा, उसके अंदर कुछ भी नया नंबर ऐड करोगे एक नया सा मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसने इनफाइनाइट वर्ड यूज किया है। तो इनफाइनाइट से कंफ्यूज मत होना, हमको सिर्फ इतना दिखाना है कि सेट ऑफ मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर n क्रॉस n है वो क्या है, एक नॉन अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, कोई एक सेट बना लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक भी एक कैपिटल एम सेट है जिसके अंदर सभी क्या एन क्रॉस एन ऑर्डर वाले मैट्रिसेस आने वाले हैं। ठीक है, और उसने एक और वर्ड और क्या यूज किया था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो यार अब भी जानते हो कि कोई भी अगर मैट्रिक्स एक है और उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, अगर उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर क्या उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आता तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो वो सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स की बात करना चाह रहा है जिनका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं आता। अगर कोई एक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ जा रहा है उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, उनको हम इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या बोल देते हैं, कोई भी एक सेट यम मान लेते हैं। ठीक है, लेट यम बी द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस। ठीक है, और हमको क्या दे रखा है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो दे रखा है उसको भी लिख लेते हैं, वेयर एवरी मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको फुल पूरा एक्सपैंड करके लिख लेना। ठीक है, नॉन सिंगुलर को अलग कर दे और मैट्रिक्स भी वर्ड यूज कर लेना। कहने का मतलब जितने भी मैट्रिक्स होंगे उनके डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होने वाला है। ठीक है, आप ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हो कि दैट इज अगर कोई भी एक मैट्रिक्स से है तो उसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हो गया। तो नॉन एबिलियन प्रूफ करना है, मतलब जो एबिलियन की प्रॉपर्टी होती है उसी को हम फॉलो करते रहेंगे, कहीं पे एक जगह पे फॉलो जाएगा जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि यह एक नॉन एबिलियन ग्रुप है। और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का दे रखा है, ये बात हम क्या करेंगे, हमेशा ही याद रखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या बात करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, तो बोल देते हैं लेट कोई एक ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जो क्या यम के अंदर से आते हैं, वेयर यम जो सेट बोल रखा है मैट्रिसेस का उनके अंदर से आते हैं। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर ऑफ ऑर्डर, एक मिनट मार्कल को चेंज कर दिया जाए। ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। ठीक है, ऑर्डर एन क्रॉस एन के ऑर्डर के हैं सभी ए और बी दोनों मैट्रिसेस हैं। ठीक है, एंड मत लिखो, आल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी क्या है, जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं और जो भी हम ऑपरेशन करेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर ही करने वाले हैं, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट भी क्या जीरो के बराबर नहीं है और दोनों क्या एक एन क्रॉस एन ऑर्डर के क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो तो आप क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देन जो आपका ए बी होगा वो भी क्या होगा, एक एन क्रॉस एन ऑर्डर का भी मैट्रिक्स होगा। देन ए बी मैट्रिक्स विल आल्सो अ एन क्रॉस एन ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स मान लेते हैं टू क्रॉस टू ऑर्डर का है और एक दूसरा भी टू क्रॉस टू ऑर्डर का है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया बनेगा वो भी एक टू क्रॉस टू का ही बनने वाला है। देखो उसने डिटर्मिनेंट वर्ड यूज किया है, तो डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, ये बात तो क्लियर है आपको, डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, इसलिए उसने क्या एन क्रॉस एन अगर बोल रखा है तो आप एन क्रॉस एन अगर आप बोल रखा है तो आप थ्री क्रॉस टू
टू क्रॉस थ्री इस ऑर्डर के मैट्रिक्स नहीं ले सकते, क्योंकि उसने इसीलिए छुप छुपा के नॉन सिंगुलर वर्ड यूज कर लिया है। नॉन सिंगुलर का मतलब ही होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करोगे। तो आप जो भी लेने वाले टू क्रॉस टू का, टू क्रॉस टू का मल्टीप्लाई करोगे नया बनेगा टू क्रॉस टू का बनेगा, थ्री क्रॉस थ्री लो थ्री क्रॉस थ्री लो नया बनेगा थ्री क्रॉस थ्री का। कहने का मतलब, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात चल रही है, तो वहां पे भी, वहां पे जब भी आप किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेगा तो उनका भी ऑर्डर क्या होगा, एन क्रॉस एन ही होने वाला। अब एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, रैशनल नंबर उसने यूज कर लिया, रैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो एन क्रॉस एन ऑर्डर क्या होगा, ऑल्सो हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि ऑल्सो वी नो दैट, वी नो दैट अगर हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी के बारे में, तो ये कितने के बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होगा। और हमने स्टार्टिंग में बोल दिया कि इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो के बराबर नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो के बराबर नहीं है। देयरफोर जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होगा वो भी क्या, जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलो तो यही तो होती है हमारे पास क्लोजर की प्रॉपर्टी, की जो आप ऑपरेशन कर रहे हो वो भी उसी के अंदर से आए। तो क्योंकि ए का ऑर्डर एन क्रॉस एन था, बी का ऑर्डर भी एन क्रॉस एन था, तो ए बी का ऑर्डर भी एन क्रॉस एन का आ गया, मतलब वो भी एम सेट के अंदर से ही आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफोर यम, मतलब जो सेट यम है उसके अंदर बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, वो क्लोज्ड है, मतलब क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएटिविटी के बारे में। तो आपको भी मालूम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, उसके लिए प्रूफ नहीं बोलेंगे, बस डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है। एसोसिएटिविटी के बारे में बात करते हैं, तो डायरेक्टली लिखो आप, वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आर ऑलवेज एसोसिएटिव, ठीक है। मैट्रिसेस आर ऑलवेज एसोसिएटिव, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी के बारे में। अभी दो प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है, लेकिन नॉन एबिलियन करना है तो कहीं ना कहीं तो फॉल करेगा, बस वही उसी पॉइंट को हमको पकड़ना है कि कहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर का नोट करो, हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस, नीचे थोड़ा सा लाइन बच रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, वी हैव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐसे आई से डिनोट कर लेते हैं, जो भी क्या यम सेट के अंदर से ही आएगा, ऑफ ऑर्डर, जिसका ऑर्डर क्या होने वाला है, एन क्रॉस एन का होने वाला है। अगर हम कोई भी एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ए लिया हमने, जिसका ऑर्डर क्या है, टू क्रॉस टू का है, तो उस सिचुएशन में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर क्या होने वाला है, टू क्रॉस टू का होने वाला है। अगर ए हमारा थ्री क्रॉस थ्री का होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी थ्री क्रॉस थ्री का होने वाला है, ठीक है। वी हैव, हमने क्या बोला, कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो भी क्या एम सेट के अंदर से ही आता है, ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, एंड लेट हमारे पास क्या एक ए मैट्रिक्स है जो क्या यम सेट के अंदर से आता है, देन अगर हम क्या करते हैं, आई और ए को मल्टीप्लाई करते हैं और ए ही आता है, तो हम क्या बोलते हैं, आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, और आई क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, वही मैट्रिक्स मिलने वाला है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो यही मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे, हेयर आई, मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द लेफ्ट इनवर्स, क्या है वो, लेफ्ट इनवर्स है। तो इनवर्स नहीं, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है, ठीक है। चलो ये हो गया, फिर बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में, ऊपर का नोट करो, हो गया। चलो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बस वही दो तीन चीज आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या सिमिलरिटी है। मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर होते हैं, और डिटर्मिनेंट अगर जीरो के बराबर है तो सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन जीरो के बराबर नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसलिए उसने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वर्ड यूज किया था, मतलब हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, फिर बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में, ठीक है। चलो इसको आप नीचे का नोट कर दे रहो, ठीक है, थोड़ा सा मार्कल को चेंज कर लिया जाए, नोट करो, हो गया। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो
तो हम देखो दे क्या रखा था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एवरी नॉन सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल, मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल। जितने भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वर्टिबल होते हैं। और उनके इनवर्स का वैल्यू कैसे निकलता है, वन अपॉन डिटर्मिनेंट एडजॉइन से निकलता है। हमको क्या ये बात भी मालूम है, तो हम क्या बोल देते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक ए मैट्रिक्स है जो यम के अंदर से आता है, ठीक है। देन इफ ए कोई भी एक मैट्रिक्स है जो क्या यम सेट के अंदर से आता है, देन देन एक ए क्या है, ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देन ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस एन का है। ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर की बात नहीं करने वाले हैं हम, ए के इनवर्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो उसका ए इनवर्स कैसे निकलेगा, देन द इनवर्स ऑफ ए इज डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ ए इज डिफाइंड एज ए इनवर्स। और ए इनवर्स कितने के बराबर होता है, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइन ए के बराबर होता है, एडजॉइन ए के बराबर होता है। अब देखो यहां तक अगर आप पहुंच गए हो, तो अगर आपको नॉन सिंगुलर में कंफ्यूजन होता है कि नॉन सिंगुलर क्यों जीरो के बराबर नहीं होता, तो यहां पे देखो अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स है और वो नॉन सिंगुलर है, तो मतलब उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आने वाला है, तो उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। अगर कोई भी एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ए है, वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे जीरो का जीरो नहीं आने वाला, मतलब कुछ वैल्यू आने वाली है, तो वन अपॉन समथिंग आएगा, मतलब ये सॉल्व हो सकता है। तो इस ए का क्या, ए का इनवर्स फाइंड करा जा सकता है, ए का इनवर्स फाइंड करा जा सकता है। और वही एक दूसरा सिचुएशन बनाते हैं, एक कोई मैट्रिक्स एक बी है जो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या है, जीरो के बराबर है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो के बराबर हो गया तो वन अपान जीरो बन जाएगा। अगर हम बी इनवर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वन अपान डिटरमिनेंट ऑफ बी और एडजॉइन ऑफ बी से निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, वन अपान जीरो इन्फिनिटी। तो ऐसे मैट्रिक्स जो सिंगुलर होते हैं उनका इनवर्स निकाला ही नहीं जा सकता, ठीक है। इसीलिए उसने पहले ही बोल दिया था कि आप नॉन सिंगुलर पे ही चेक करो, क्योंकि उन्हीं का इनवर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। तो देखो यार इनवर्स भी निकल गया, मतलब ग्रुप तो ये हो गया, लेकिन हमको ग्रुप प्रूफ नहीं करना था, हमको नॉन अबेलियन प्रूफ करना था, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता है कि इसको ग्रुप प्रूफ करो, तो ग्रुप तो यहाँ तक के लिए हो गया, यहाँ तक से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास सेट ऑफ मैट्रिसेस है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ग्रुप हो गया, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे बोल भी देते हैं, हेयर देयरफॉर ए इनवर्स इज द, ना ना अभी तो सिर्फ ये लिखा ना इनवर्स का वैल्यू, ठीक है। अब क्या करते हैं, देन इफ ए बिलोंग्स टू यम, देन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। चलो हो गया, ए इज डिफाइंड एज ए इनवर्स सच दैट अगर हम क्या करते हैं, ए इनवर्स ए को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ये मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी होती है, सबको मालूम है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए इनवर्स इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं, लेफ्ट इनवर्स, ठीक है, लेफ्ट इनवर्स। चलो ये भी हो गया। अब बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में, चार प्रॉपर्टी प्रूफ हो गए, तो पांचवे को ही फॉल करना पड़ेगा। पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है, कमुटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो कमुटेटिव की बात करते हैं, हाँ कमुटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो देखो जनरली अगर आप देखो कोई भी दो मैट्रिक्स मान लेते हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम ए बी ऑर्डर में तो कोई एक वैल्यू आती है, और अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम बी ए ऑर्डर में तो कोई एक वैल्यू आता है। तो बहुत ही स्पेशल केसेस में क्या होता है, ए बी बी ए के बराबर हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये बराबर नहीं होते। मैक्सिमम केसेस में ए बी बी ए के बराबर कभी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं, ऑर्डर चेंज हो जाता है ना, ऑर्डर चेंज होता है जो, तो
जिससे उसका ए बी का वैल्यू कुछ अलग आ जाता है, बी ए का वैल्यू कुछ अलग आ जाता है। लेकिन जब हम कुछ एक स्पेशल केस में कोई एक नंबर फिक्स कर लेते हैं तो वहां पे सेम आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पूरा सेट दे रखा है, तो अगर एक एलिमेंट के ऊपर भी इस यम सेट के अंदर, जिस यम सेट की उसने बात किया था हमने स्टार्टिंग में, इसके अंदर बहुत सारे मैट्रिक्स छोटे छोटे हैं, तो अगर सभी पे सेटिस्फाई होगा तभी कमुटेटिव होगा। अगर एक पे अभी फॉल कर गया तो कमुटेटिव की कैटेगरी में नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आपको भी मालूम है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली कमुटेटिव नहीं होते, स्पेशल केसेस में होते हैं, जनरली हर जगह नहीं होते। ए बी हर जगह बी ए के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आर नॉट कमुटेटिव, इज नॉट इन जनरल कमुटेटिव, आर मत लिखो, इज नॉट जनरल कमुटेटिव, ठीक है। स्पेशल केसेस में होते हैं लेकिन हर जगह नहीं होते हैं, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर यम इज अ इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट वर्ड क्यों यूज किया, यह बात तो क्लियर ही हो गई होगी, क्योंकि यम के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मैट्रिसेस हैं, नॉन एबिलियन ग्रुप। चलो अब क्या करो, इसको नोट करो, ठीक है।